रतन टाटा ने उम्मीद जताई कि टाटा सन्स के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रतन टाटा ने चंद्रशेखरन की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की है। रतन टाटा ने चंद्रशेखरन की योग्यता पर भरोसा जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये टाटा सन्स का चेयरमैन बनना चुनौती भरी जिम्मेदारी है, लेकिन वो ग्रुप की वैल्यूज को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर 2016 को सारस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया था। इसके बाद ग्रुप की कंपनीज में काफी उथल पुथल रही। कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर्स को लेकर भी लड़ाई सी छिड़ी रही और इस दौरान ग्रुप सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा। कल चंद्रशेखरन को चेयरमैन बनाने की ये उठापटक थम गई और करीब 150 साल पुराने ग्रुप में पहली बार किसी नॉन पारसी को चेयरमैन बनाया गया, जो कि 21 फरवरी को शपथ लेंगे। इससे पहले चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और एमडी थे। तो ग्रुप की वैल्यूज के साथ आगे बढ़ाएंगे चंद्रशेखरन और टाटा सन्स के नए चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन। कई बैठकों का दौर इससे पहले जारी था, तमाम नाम सामने थे, लेकिन आखिरकार एन चंद्रशेखरन के नाम पर मोहर लगी।